नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर देश भर में मचे हंगामे के बीच बजट सत्र की शुरुआत हुई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को सीएए के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। संसद परिसर के बाहर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद समेत कई बड़े नेता नजर आए। विपक्षी नेताओं ने हाथ में संविधान बचाओ की तख्ती ली हुई। इस दौरान उन्होंने जामिया फायरिंग का जिक्र करते हुए गोली मारना बंद करो के नारे भी लगाए। संसद परिसर के बाहर मौजूद गांधी मूर्ति पर विपक्ष ने नागरिकता एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार के इस कानून को संविधान विरोधी बताया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई खुद सोनिया गांधी कर रही थी। यहाँ विपक्ष दलों की अलग अलग पार्टियों के नेता मौजूद थे। एक तरीके से यहाँ लगातार अपने गणतंत्र की रक्षा, प्रजातंत्र की रक्षा और संविधान बचाओ, इसके अलावा मोदी सरकार होश में आओ, जहरीली राजनीति बंद करो जैसे नारे लगाए जा रहे थे। साफ तौर पर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ ही ये प्रदर्शन हुआ। इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी और विपक्ष ने ये तय किया था कि बजट सत्र शुरू होने के दौरान ही मोदी सरकार को इस तरीके से घेरा जाएगा। बता दें कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल नागरिकता कानून लागू होने के पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर है और अब बजट को लेकर भी विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। इस प्रदर्शन में विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ नारा लगाते हुए नजर आए। टीम खबर अपडेट।